फ्रेंड्स, माइक्रोवेव के अंदर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने ली है 1 कप दाल, जिसके अंदर हाफ लाल मसूर की दाल है और हाफ मूंग धुली दाल है। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में दाल बनाने के लिए हमें एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमें 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। अगर हम इसे इतनी देर के लिए नहीं भिगोएंगे तो हमारी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। 1 कप दाल के अंदर 4 कप पानी डालकर मैंने इसको 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसके बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और एक माइक्रोवेव सेफ बाउल के अंदर हम दाल को डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी। जितनी हमने दाल ली है उसके अंदर हम वही कप, 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैंने इसे 6 घंटे के लिए भिगोया था। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 स्पून सॉल्ट, नमक एंड 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। इसके बाद हम माइक्रोवेव सेफ बाउल को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम टाइम सेट करेंगे। 800 वोल्ट पावर पर मैं 20 मिनट्स का टाइम सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, दाल बनाने के लिए आप बड़े वाला बाउल यूज़ कीजिएगा। अगर आप छोटा बाउल यूज़ करोगे तो दाल में जो पानी है वो बाहर आ सकता है और माइक्रोवेव गंदा हो सकता है। ये मैं 1.5 लीटर का बाउल यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, अभी 9 मिनट्स रह गए हैं। हमने एक बार अपनी दाल को बीच में चेक कर लिया था। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं और ये हमारी दाल अच्छी तरह से उबल कर तैयार हो गई है। अब हम बाउल को माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक बार हैंड मिक्सर से या किसी स्पून से अच्छी तरह से घोट लोगे, मिक्स कर लोगे, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी दाल तैयार हो जाएगी। इसको मैं स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी ज़्यादा देर के लिए आप दाल को भिगोओगे उतनी जल्दी आपकी दाल बनकर तैयार होगी और उतनी टेस्टी बनेगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। एक छोटा माइक्रोवेव सेफ बाउल लेंगे, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 स्पून राई ½ स्पून जीरा और 1/4 स्पून काली मिर्च, मोटी वाली काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश अदरक कट की हुई एंड नेक्स्ट एक लाल मिर्च, तड़के के लिए लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टमाटर बारीक कट किए हुए, बहुत ज़्यादा बारीक भी कट नहीं किए हैं। ये देखिए बिल्कुल इतने ही साइज़ में हमें इसे कट करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमने दाल में पहले भी ऐड किया था, इसलिए मैं इसमें फिर से 1/3 स्पून सॉल्ट ही ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो। और लाल मिर्ची मैंने इसमें ऐड की है, 1/3 स्पून लाल मिर्ची। अब अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम तड़के को माइक्रोवेव में रखेंगे और 5 मिनट्स के लिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 800 वोल्ट पावर पर। गाइस, मेरे माइक्रोवेव की हाई पावर 800 है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट्स के बाद हमारा तड़का कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम जल्दी से तड़के को दाल के अंदर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से माइक्रोवेव करेंगे 2 मिनट्स के लिए। गाइस, अगर आपकी दाल अच्छी तरह से बनकर तैयार ना हो, आपको लगे कि ये अभी थोड़ी कच्ची है, तो आप इसे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए
माइक्रोवेव कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी पतली दाल चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हो और इसको आप 5 मिनट के लिए और माइक्रोवेव कर सकते हो। मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ कि दाल इतनी देर में बनकर तैयार हो जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन दाल बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे फिर से माइक्रोवेव में रखा था। अब एक बार मैं इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो हैंड मिक्सर है वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया है। सो गाइस, मैं इसे इसलिए स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी तड़का दाल बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।